हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी किचन कुकिंग विद साक्षी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पत्ता गोभी का पराठा बनाना सिखाऊंगी और ये रेसिपी बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद एकदम मोमोज जैसा लगता है। अगर आप इसे एक बार घर पे बना के खा लेंगे तो आप बाहर का मोमो खाना भूल जाएंगे। तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई करिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पत्ता गोभी का पराठा बनाना। अपने इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। पत्ता गोभी का पराठा बनाने के लिए ये मैंने एक छोटा पत्ता गोभी लिया था और एक मीडियम साइज का गाजर लिया था। इन दोनों को मैंने ग्रेट करके इसका पानी निकाल लिया है अच्छे से। और ये आटा लिया है मैंने, आटा मैंने इस बाउल से डेढ़ बाउल आटा लिया है। और अदरक लिया है, ये एक चम्मच अदरक है, इसको ग्रेट कर लिया है। ऑयल लिया है सेकने के लिए पराठे को और नमक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पराठा बनाना। सबसे पहले हम आटे का डो तैयार कर लेते हैं। तो उसमें मैं डालूंगी हाफ टी स्पून नमक डालूंगी और ऑयल डालूंगी डेढ़ चम्मच। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके नरम सा आटा तैयार कर लेंगे। देखिए आटे का डो हमारा तैयार हो गया है और एकदम नरम आटा तैयार हुआ है। और इसे तैयार करने में ये मैंने एक गिलास पानी लिया था, इसमें थोड़ा सा बच गया है एकदम। तो अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए और स्टफिंग का मसाला तैयार कर लेते हैं। तब तक स्टफिंग के लिए ये जो मैंने पत्ता गोभी और गाजर ग्रेट करके रखा है, इसमें अब हम अदरक ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करिएगा, इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो मसाले भी यूज कर सकते हैं इसमें। ये पराठा बहुत टेस्टी और हेल्दी बनता है क्योंकि इसमें मसाले नहीं ऐड किए हैं मैंने। इसका टेस्ट बिल्कुल मोमोज जैसा लगता है। अगर आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है, अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटे की लोइयां बना लेते हैं। ऐसे ही करके हम सारा लोइयां बना लेंगे। देखिए सारी लोइयां हमने बना के रेडी कर ली हैं और इसमें 5 पराठे हमारे बनेंगे। तो अब इनमें हम सूखा आटा लगा के इनकी हम रोटियां बेल लेंगे। ये देखिए ये 2 रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब इस पर हम स्टफिंग रखेंगे और इसको फैला देंगे। तो स्टफिंग हम अच्छे से रखेंगे, 2 चम्मच इस पर मैं स्टफिंग रखूंगी और इसको चारों तरफ अच्छे से फैला दूंगी। और इस पर 2री रोटी ऐसे रख देंगे और चारों तरफ से दबा देंगे इसको। हल्का सा इसको और बेल लेंगे। और ऐसे ही करके जो हमारे सारे पराठे हैं बेल के भर लेंगे। अब पराठे को हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पे तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब इस पर हम पराठे डाल देंगे और 1 मिनट बाद इसको पलट के इस पर ऑयल लगाएंगे और फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। 1 मिनट हो गया, अब इसको हम पलट लेंगे और इस पर ऑयल लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हम 1 मिनट सेकेंगे, उसके बाद उस पर ऑयल लगाएंगे। अब इसको हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी ऑयल लगा के इसको प्रेस करके सेकेंगे। थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से सिक जाए।
देखिए पराठा अच्छे से सिक गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के पराठे भी ऐसे ही सेक लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे पराठे सिक गए हैं, अब इनकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, इन पराठों को बनाना कितना आसान है और कितने कम सामान में ये बन के तैयार हो गए हैं। ये आप मोमो की चटनी के साथ या किसी भी चटनी के साथ बना के खा सकते हैं और यकीन मानिए आपको ये मोमो जैसा ही लगेगा। और अपनी फैमिली मेम्बर को और बच्चों को जरूर इसे बना के खिलाइएगा और अपना अनुभव मुझसे जरूर शेयर करिएगा। और जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।